चाहूँगी कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मेरी बहुत किस्मत अच्छी है क्योंकि मैंने उनका रिहर्सल भी देखा, तो अभी तो बहुत मीडिया मेरे सामने खड़ी हुई थी और लोग सही थे, तो मैं बीच बीच में उनसे उनका परफॉर्मेंस देख रही थी, लेकिन मैं खुशकिस्मत ये हो गई मेरी कि मैंने उनको रिहर्सल करते हुए भी देखा, और जब मैं उनसे मिली, मैंने उनके बारे में फिल्म देखी और मैं कुछ आज यहाँ पे एंकरिंग भी करने वाली हूँ, उनके बारे में बात करने वाली हूँ, लेकिन जब मैंने साक्षात उनसे देखा, मैंने जाकर उनसे कहा कि मैम मैंने आपके बारे में पढ़ा सुना और मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ कैसे, तो उन्होंने जब मेरा हाथ पकड़ के कहा कि मैं आज भी सीखती हूँ, आज भी सीखने को बहुत कुछ है, मैं आपसे भी बहुत कुछ सीखूँगी, तो मैं तो बिल्कुल लाजवाब हो गई, मैं चुप रह गई। बट उनका परफॉर्मेंस देखकर, जैसे कहते हैं कि ऐसे दिल खोलकर नाचो कि कोई ना देख रहा हो, तो आज उनका परफॉर्मेंस देखकर ऐसा लगता है कि वो हमेशा अपने लिए नाचते हैं। वो तो फिट दिख ही रही 90 इयर्स में, आप भी काफ़ी फिट दिख रही है, आपके फिटनेस का राज क्या है? मेरे फिटनेस का ये राज है कि आजकल मैंने थोड़ा खाना कम किया है, वॉक शुरू किया है और अपने पे थोड़ा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी किस्मत ने साथ दिया और उम्र ने भी साथ दिया, तो मैं भी 99 की उम्र में ताऊ की तरह थोड़ा सा भी अंश अगर कर पाई डांस, तो वो करना चाहूँगी। अब तक ससुराल सिमर में माता जी के रूप में देख रहे हैं, क्या मूवीज़ में आ रहे हैं? नहीं, अभी तक मूवीज़ वालों ने मेरे टैलेंट को पहचाना नहीं है, कुछ एक ने पहचाना है लेकिन ज़्यादा ने नहीं। मैं अभी भी वेट कर रही हूँ कि ऐसा कोई धुआंधार रोल मेरे लिए लिखा जा रहा है जो फिल्म वालों को लगेगा कि सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, और वो मेरे पास दौड़े चले आएंगे और मैं तुरंत हाँ कर दूँगी। मैं ससुराल सिमर का पिछले 6.5-7 साल से चल रहा है, साथ में मेरा प्लेस चलती रहते हैं, आप जानते हैं मैं स्टेज से बहुत प्यार करती हूँ, तो इसीलिए मेरा नया प्ले शुरू होने वाला है लिनेट दुबे के साथ, जो ट्विंकल खन्ना के कहानी के ऊपर निर्धारित है, सलाम लोनी आपा, तो वो मेरा नया प्रोजेक्ट है। थैंक यू सो मच।